हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया जब छोटी थी तभी माया को हॉस्टल में डाल दिया जाता है, और जब माया 12वीं क्लास पूरी हो जाती है तब माया अपने घर लौट कर आती है। लेकिन इस दौरान फर्क ये था कि 12 साल की माया अब 20 साल की जवान हो चुकी थी। कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो माया नहीं है जिसे कंचे गुल्ली डंडा खेलते देखा जाता था। अब माया जब अपने घर इतने समय बाद लौटी थी तो सब कुछ बदल चुका था। उसके दोस्त चिंटू, बबली और गोलू अब जवान हो चुके थे। तभी माया अपने घर आने के बाद सबसे पहले चिंटू के घर जाती है, और जैसे ही एक लड़का चिंटू के घर का दरवाजा खोलता है तो माया उससे कहती है, मैं माया चिंटू से मिलने आई हूँ। अंकल, चिंटू है क्या? मैं ही हूँ चिंटू। और माया, तू कितनी बड़ी हो गई है, अब तो कहना बनता है छोकरी जवान हो गई। माया ये सुनकर हैरान थी कि चिंटू ही वही लड़का है जिसने दरवाजा खोला और जिसे माया ने अंकल कहा था। और ऐसे में माया चिल्लाते हुए चिंटू को गले लगा कर कहती है, चिंटू तू तो एकदम बदल गया, मैंने सोचा ये कौन है। माया जैसे ही चिंटू को गले लगाती है चिंटू की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, और वो अपनी दोस्त माया से कहता है, अब हम बड़े हो गए हैं माया, सब देख रहे हैं, हट जा और ऐसे गले सले मत लगा कर, कुछ कुछ होता है। चुप कर तू, तू तो इतना हैंडसम हो गया है कि किसी का भी दिल आ जाए तुझ पर। चिंटू से मिलने के बाद अब चिंटू माया को गोलू और बबली से मिलवाने के लिए ले जाता है, और चिंटू को एक लड़की के साथ आता देखकर बबली अपने दोस्त गोलू से पार्क में बैठी हुई कहती है, गोलू वो देख, ये अपना ही चिंटू है ना, देख किसी मस्त सी आइटम के साथ हाथों में हाथ डालकर आ रहा है साला, हमें कहता है मेरे किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं है, और ये कौन है। अब जैसे ही बबली और गोलू के पास माया और चिंटू पहुंचते हैं, चिंटू कुछ बोले उससे पहले ही बबली अपना जूता निकालकर चिंटू को मारते हुए उससे कहती है, मुझे उस दिन कह रहा था मेरे किसी के साथ कुछ नहीं है, और इस चिकनी चमेली के हाथों में हाथ डालकर आया है, और ऊपर से अपने सिंगल होने की वजह से मेरा भी ब्रेकअप करवा दिया। मुझे बोलने तो दे मेरी माँ, क्यों मरे जा रही है। जल्दी बोल, 2 मिनट दिए, वैसे भी आज तो तू मेरे हाथों से मरेगा। ये अपनी माया है, हॉस्टल से आई है, मैंने भी इस हॉटनेस की दुकान को पहचाना नहीं था। क्या, ये अपनी माया है? ओए, तू तो हुस्न परी, तू जाने जहाँ, तू सबसे हसी, तू सबसे जवा, ऐसा क्या लगाती है मेरी जान जो चमक रही है। यार तुम तो मेरा मजाक बना रहे हो, इससे मिली तो इसने बोल दिया छोकरी जवान हो गई, अब तुम मुझे ये सब कह रही है, वैसे तुम लोग भी बहुत बड़े हो गए। देख माया, तूने मुझे पहचाना हो या ना हो, आज से तू मेरी जिम्मेदारी। ओए होए मोटे, पहले तू अपनी टोन संभाल, मेरी दोस्त को मैं संभाल लूंगी, और तू छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा नहीं रहा, कुछ दिन में शादी के बाद बाप बन जाएगा। इतना बोलकर बबली माया को अपने साथ ले जाती है, और गोलू चिंटू ये देखकर कहते हैं, यार कितनी बदल गई है मेरी माया। तेरी माया नहीं है वो, माया तो बचपन में मुझसे ही प्यार करती थी। अबे साले औकात में रह, तेरी भाभी है वो। देख चिंटू, मैं ना बता रहा हूँ, इस बात को लेकर ना हमारे बीच में बहुत बड़ी जंग हो जाएगी जो अब तक इतने सालों में नहीं हुई है। तू तो अपना भाई है लेकिन माया मेरी है, समझा तू। यार ये कितनी जवान हो गई है। भाई तो तू भी है अपना, तो तू ही समझ जाना, जान तो वो मेरी ही है। अब दो दोस्तों के बीच उनकी पुरानी दोस्त के आने से खलबली तो मच ही जाती है, लेकिन माया अब इन दोनों में से किसे भाव देगी, ये बेहद ही दिलचस्प है। अब अगले दिन बबली और माया पार्क में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ चिंटू और गोलू भी आते हैं, और गोलू को देखकर माया गोलू के गालों को खींचते हुए उससे कहती है, और गोलू तेरे गाल कितने गोलू मोलू है, बिल्कुल तेरी ही तरह। ये मोटा मेरी माया के करीब आने की कोशिश कर रहा है। यार माया, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, अब तुम ही बोल दो ना। गोलू चल दूर हट, अब तो बच्चा नहीं रहा, और माया तू इन दोनों कुत्तों को भाव मत दे, ये अब जवान हो गए हैं, और तू भी बच्ची नहीं रही, जवान छोकरी हो गई है, वो भी कम सिन जवान, समझी। यार बबली तू भी क्या बोलती है, हम बचपन के दोस्त हैं, वो भी क्लोज वाले। तू इन दोनों छिछोरों को जानती नहीं है, आए दिन लड़कियों को छेड़ने की वजह से चप्पल जूते खाते हैं। बबली को तो चिंटू और गोलू के हाव भाव देखकर पता चल ही गया था
लेकिन माया तो चिंटू को अब भी दोस्त की तरह ही देख रही थी। लेकिन एक रोज चिंटू पार्क में बैठे सभी के सामने माया से कहता है, माया मुझे लगता है ना मुझे तुझसे प्यार हो गया है। क्या बोला? तुझे और प्यार, वो भी माया से? अरे मजाक करने की इनकी आदत है, तू क्यों गुस्सा हो रही है? चल चिंटू अब मैं घर जा रही हूँ। माया और बबली के जाने के बाद गोलू जोर जोर से हंसने लगता है और चिंटू से कहता है, अरे करवा ली अपनी बेइज्जती, हो गई दिल में तसल्ली, निकल अभी यहाँ से वरना मेरे गुस्से का शिकार तू ही होगा। अब एक रोज माया को देखने लड़के वाले आते हैं और माया का रिश्ता भी हो जाता है। ऐसे में माया अपने दोस्तों के लिए मिठाई लेकर जाती है और जैसे ही चिंटू और गोलू को माया मिठाई देती है वैसे ही चिंटू माया से कहता है, क्या बात है, किस खुशी में खिला रही हो? इसकी शादी फिक्स हो गई है शहर में, इसी खुशी में है। ये सुनते ही गोलू और चिंटू के मुंह से मिठाई बाहर आ जाती है और ये देखकर बबली दोनों से कहती है, क्यों क्या हुआ, खाओ खाओ, अभी तो माया की शादी में तुम दोनों को बहुत काम करना है। ये सुनकर चिंटू और गोलू वहाँ से चले जाते हैं और बबली माया से कहती है, दोनों को तो ना जाने क्या हो गया है, इन्हें रहने दे, तू अपनी शादी की तैयारियां कर। ऐसे ही समय बीतता है और माया की शादी का दिन करीब आ जाता है। शादी वाले दिन माया को दुल्हन बने देखकर चिंटू और गोलू को अपनी दोस्त माया को देखते हुए कहते हैं, कितनी सुंदर लग रही है मेरी माया। ना तेरी ना मेरी, जीजा जी की माया कितनी सुंदर लग रही है। पास खड़ी बबली ये सब सुनकर दोनों से कहती है, देर आए दुरुस्त आए, समझ तो आ ही गया होगा कि जिस जवान छोकरी पर तुम दोनों का एक साथ दिल आया था वो कभी तुम्हारी दोस्त थी और तुम्हारे नसीब में तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब शादी के बाद माया विदा होते हुए चिंटू और गोलू के गले मिलकर विदा होती है। अब देर रात गम के मारे दोनों दोस्त पैग लगाते हुए एक दूसरे से कहते हैं, भाई जैसे जाते हुए माया ने मुझे गले लगाया ना वो मुझे बहुत पसंद आ गई यार। वो हम दोनों की किस्मत में नहीं थी, बचपन में हम सब एक साथ खेला करते थे और आज हमसे दूर किसी और के साथ माया चली गई। हाँ भाई तू सही कह रहा है, वो बबली की बच्चे तो कभी हमें कुछ देखना ही नहीं चाहती थी, हमेशा हम दोनों को माया के सामने जलील करती रहती थी। हाँ बबली को भी मैं देख लूंगा, उसने भी हमें हमारे प्यार से दूर किया है, वो भी इस दर्द की बराबर की हिस्सेदार है। अब किया भी क्या जा सकता था, चिंटू और गोलू अपना दर्द दुख मिटाने के लिए शराब पीकर एक दूसरे के साथ अपना दुख बांटते हैं और उधर माया शादी करके विदा हो जाती है जो कुछ समय पहले ही हॉस्टल से आई थी और इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उस पर चिंटू और गोलू जो माया के बचपन के दोस्त थे उन्होंने भी अपना दिल हार दिया था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।